हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट HTTP एंड डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। HTTP इज फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोकॉल इज ए फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज फॉर्मेट एंड दैट रूल दैट टू और मोर मशीन मस्ट फॉलो टू एक्सचेंज दोज मैसेज। जब दो कंप्यूटर मशीन आपस में अपने मैसेज एक्सचेंज करती हैं और जिन रूल का वो फॉलो करती हैं उस मैसेज को आपस में चेंज करने के लिए, उन्हीं रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो पर्सन आपस में बात करना शुरू करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके आइडियाज़ आपस में एक्सचेंज हो, बट वो दोनों ही एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं जिससे दोनों की बातें नहीं समझ आती। बट सेकंड टर्न में वो दोनों एक रूल को फॉलो करते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन बोलता है उसके बाद सेकंड पर्सन बोलता है। साइमेंटेनियसली ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर दोनों ही आइडियाज़ आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इन्हीं रूल को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोटोकॉल कहते हैं। देन हाइपर टेक्स्ट इज ए टेक्स्ट जो डिस्प्ले होता है हमारे कंप्यूटर डिस्प्ले पे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे। तो अब हम बात करते हैं HTTP की। तो HTTP भी कुछ रिक्वेस्ट को, जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती है उसको, वो सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है कुछ रूल को फॉलो करते हुए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें www से पहले HTTP होता है। HTTP हमारी रिक्वेस्ट को उस सर्वर तक पहुंचा रहा होता है और हमारा सर्वर जो कि www होता है, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अपना डाटा हमें भेज देता है जो कि हमें अपने कंप्यूटर डिस्प्ले पे दिख जाता है। अगर आप वेब सर्वर www को जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन HTTP इज़ ए सेट ऑफ रूल फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट ऑन www। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल विद द लाइटनेस एंड स्पीड नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव कोलोबरेटिव हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये एक प्रोटोकॉल है जो कि आपकी रिक्वेस्ट को आपके सर्वर तक पहुँचाने का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। अगर कोई वेबसाइट अपने आप को SSL से सर्टिफाइड करा लेती है, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर से सर्टिफाइड करा लेती है, तो उसे HTTPS प्रोवाइड हो जाता है। मीन्स उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है जो कि HTTP से ज़्यादा सिक्योर होती है। अगर इन दोनों में बात करें HTTP और HTTPS में, तो यानी HTTPS बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। मान लीजिए आप किसी ऐसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं जहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, आधार नंबर एक्सेट्रा अपनी प्राइवेट चीज़ें डालनी पड़ती हैं, अगर वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती तो उस लिंक को हैकर हैक कर लेता है। बट अगर वो HTTPS से सिक्योर होती है तो आपके और आपके सर्वर के बीच की कोई भी चीज़ नहीं चुरा सकता। मीन्स वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है गाइज, और HTTPS को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। बड़ी बड़ी ऐप अपने आप को सिक्योर HTTPS से ही करा के रखती है, और तो और गूगल रैंकिंग में भी इसको ही प्रेफरेंस ज़्यादातर दी गई है। अगर आपकी वेब या फिर आपकी कोई ब्लॉग SSL सर्टिफाइड है तो उसकी रैंक भी बढ़ जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।